नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरी प्यारी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डे 7 के बारे में। डे 7 में सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या होने वाला है, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा डर था वो था क्लॉक एंड कैलेंडर का, जिसमें क्लॉक का बहुत बड़ा हिस्सा मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये मैं सोचिएगा अभी वो खत्म हो चुकी है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लॉक से रिलेटेड हो गए कि मैं अपने घर से 7:45 निकला, स्टेशन पर पहुँचा तो ट्रेन 10 मिनट लेट थी, तो बताइए ट्रेन के आने जाने का समय क्या था, ऐसे क्वेश्चन आते, एक बस के आने जाने का समय क्या था, एक घंटी 2 बार बजती है तो उसमें क्लास कितने ड्यूरेशन की थी, ऐसे करके बहुत से एक क्वेश्चंस आएंगे जो आपसे क्लॉक से रिलेटेड, वो मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। कैलेंडर में भी मैं पहले बेसिक क्लियर करूंगा, उसके बाद में क्लॉक एंड कैलेंडर के दोनों के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे ना वो कैलेंडर खत्म होने के बाद में करवाऊंगा। लेकिन हमारे टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कैलेंडर की। कैलेंडर क्या होता है पहले तो इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि आज तक आपको ये समझाया नहीं गया है। आज तक आपको जैसे ही कोई टॉपिक की हेडिंग लगाई उसके बाद में आपको क्वेश्चंस करवाने स्टार्ट कर दिए जाते हैं। आप इतनी दूर से बैठे रहते हैं और सिर्फ आप वहाँ पे कुछ टाइप करते रहते हैं, लेकिन आपकी बातों को कोई ध्यान में नहीं रखता है और अपना काम फिनिश करके और आपका कोर्स कंप्लीट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्लास आपकी है, आपकी डिमांड होगी, मैं आपकी डिमांड के अनुसार ही चलता हूँ, तो आपका प्यार मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरी बात को गौर से सुनिएगा। कैलेंडर क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। कैलेंडर वही होता है जो आपके घर पे दीवार पे कहीं पे भी आपको हैंग किया हुआ मिलेगा, जिसमें एक जैसे हमारे राजस्थान में स्पेशली होता है, कोई भी एक स्पेशल कोई त्यौहार व्रत वगैरह देखे जाते हैं तो मम्मी बोलती है कि बेटा कैलेंडर में देख करके बता कि एकादशी कब की है, पूर्णिमा कब की है, ऐसे कुछ चीज़ें आपके भी घर में होते होंगे, वही कैलेंडर है। लेकिन आजकल कैलेंडर ने अपने मोबाइल में जगह ले ली है, जहाँ पर आप रिमाइंडर भी लेकर के चलते हैं, इस डेट को हमें ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लॉक एंड कैलेंडर मोबाइल तक सीमित हो चुका है। हमारे मन में सवाल आना भी नॉर्मल सी बात है कि सर आखिर ये कैलेंडर कैसे बना, कैलेंडर का विकास कैसे हुआ, ऐसे बहुत से सवाल आएंगे, लेकिन इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करने वाला हूँ। देखिए कैलेंडर में क्या आता है, दिन, ठीक है, दिनों की जो महीने होते हैं उनकी संख्याएं दी हुई रहती है, उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहले हमारे मन में सवाल आता है, जैसे कल मैंने आपको जब क्लॉक स्टार्ट की थी तब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, याद होगा आपको कि आपको ये पूछा था कि आपकी टाइम की जो यूनिट होती है ना, टाइम की जो यूनिट समय की सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है। क्लॉक के अकॉर्डिंग अगर मैंने बात की थी तो इसका जवाब आपका था सेकेंड। बात समझ में आ रही है, इसका जवाब था सेकेंड। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टाइम की समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, दिन, ठीक है, आपका जवाब होगा डे। अब आपका ये सबसे बड़ा एक और सवाल होगा, सर पता कैसे चलेगा कि सवाल क्लॉक के अकॉर्डिंग है या कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसके अंदर आपके ऑप्शन आएंगे सेकेंड, मिनट, घंटे, इस तरीके से इसमें ऑप्शन आएंगे आपके दिन, महीना, साल, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है, डे, ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई दिन होती है, क्योंकि दिन के बाद क्या बनते हैं, सप्ताह बनते हैं, बात समझिएगा, सप्ताह के बाद क्या बनते हैं, आपके महीने बनते हैं, और महीनों से क्या बनते हैं, वर्ष बनते हैं, और वर्ष के बाद क्या बनती है, आपकी दशाब्दी बनती है, दशाब्दी के बाद क्या बनती है, आपकी शताब्दी बनती है। बोलिए कोई दिक्कत है आपको, दिन, उसके बाद में सप्ताह, सप्ताह से के समूह होते हैं वो महीने, और महीने मिलकर के वर्ष बनते हैं, और वर्ष के बाद में दशाब्दी, दशाब्दी का मतलब क्या होता है, 10 वर्षों का समूह है यहाँ पे, और फिर 100 वर्षों का समूह क्या कहलाता है, शताब्दी। बोलिए कुछ समझ में आ रहा है क्या। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर आखिर दिन क्या होता है, सर डे किसे कहते हैं। बिल्कुल आपके मन में जो जो सवाल आएंगे, सर दिन किसे कहते हैं, दिन कैसे बनते हैं, घड़ी और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें कैसे चलने लगी, आज तक आपको इन सवालों के जवाब किसी ने नहीं दिए होंगे। जब ऑफलाइन क्लास में भी स्टूडेंट पूछने की कोशिश करता है तो टीचर अक्सर टाल दिया करते हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब मैं दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके मन में एक भी सवाल मैं बाकी नहीं रखूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, दिन किसे कहते हैं पहले इसको समझ लीजिएगा। अगर आपके पास PDF नोट्स हैं उनको अंदर मैंने आपको एक एक चीज़ ये कवरअप करवा रखी है कि दिन किसे कहते हैं, हर एक चीज़ जो भी डिटेल दे रखी है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। अगर अभी तक आपके पास PDF नोट्स अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे 7793934
243 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, सिर्फ 99 रुपीज़ में अवेलेबल है, जो एक नॉर्मल सा खर्चा है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि दिन किसे कहते हैं। दिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सप्ताह के सातवें भाग को दिन कहते हैं। डेफिनेशन को फिर से सुनिएगा कि दिन किसे कहते हैं, जो सप्ताह होता है, वीक होते हैं, उसके सातवें भाग को, क्योंकि सप्ताह कितने होते हैं, सप्ताह में दिन कितने होते हैं आपके, सात, और सात में सात का भाग दिया तो बराबर क्या आता है, एक। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, दिन। ठीक है, यहाँ पर आपका एक दिन, यानी कि सप्ताह के सातवें भाग को ही दिन कहते हैं, क्योंकि एक एक मिलकर के सात दिन बनते हैं और तब एक सप्ताह बनता है, कई सप्ताहों से मिलकर के आपका क्या बनता है, एक मंथ बनता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा, जल्दी से इसको देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि आपके मन में एक सवाल आने वाला सबसे बड़ा, सर दिन कैसे बनते हैं, बताइए। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, मैं अभी बताने वाला हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, अब आपका सवाल आना बिल्कुल लाजमी है कि सर दिन बनते कैसे हैं, क्योंकि आपने कई बार पूछा है लेकिन जवाब मिल ही नहीं पाता है, लेकिन अब आपको इस इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ये जवाब मिलेगा। दिन कैसे बनते, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसमें आपको थोड़ा सा बताया गया होगा कि इसमें एक सौर वर्ष होता है, सौर वर्ष का नाम सुना होगा आपने, पढ़ा भी होगा। ठीक है, अभी लाइव क्लास होती तो मैं आपसे बहुत सी चीज़ें पूछता, सामने होता तो बहुत सी चीज़ें आपसे क्लियर करता, सौर वर्ष किसे कहते हैं, और हम इसके बारे में पता भी होना चाहिए, तभी हम पता लगा पाएंगे कि दिन कैसे बनते हैं। देखिए, समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ, जब पृथ्वी, ध्यान से सुनिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस चक्कर लगाने की समय अवधि या समय अंतराल, ठीक है, ये क्या हो गया आपका सूर्य, और ये क्या हो गई आपकी पृथ्वी। देखिए, ज़्यादा ज्योग्राफी तो मैं जीके नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन समझिएगा, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो इस चक्कर लगाने की समय अवधि या समय अंतराल, मतलब कितनी देर में ये चक्कर लगाती है, कितने समय में ये चक्कर लगाती है, तो यहाँ पे जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उस चक्कर लगाने की समय अवधि या समय अंतराल को ही क्या कहा जाता है, सौर वर्ष कहा जाता है। बताइए, समझ में आया क्या? धीरे धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, मेरा थोड़ा सा एक तेज़ बोलने की आदत ही है, नहीं समझ में आया तो थोड़ा रिवाइज करके देख लिया करो। तो यहाँ पे सौर वर्ष किसे कहते हैं, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो उस चक्कर लगाने के समय अवधि या समय अंतराल को क्या कहा जाता है, सौर वर्ष। अब आप कई स्टूडेंट बोलेंगे जिनको फास्ट चलने की, जिनको पेड़ में पढ़ने की आदत है ना, वो यहाँ कमियाँ निकालने जरूर आएंगे, लेकिन उनको भी पता है कि रियलिटी क्या है। सर, यहाँ सौर वर्ष से मतलब क्या, आप क्यों पढ़ा रहे हो? ज्ञानी, मेरी बात सुनना अच्छे से, सौर वर्ष के बारे में पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक सौर वर्ष बराबर क्या होता है, सारी बातों पे मैं आऊँगा, पहले इसको समझिएगा। यहाँ पे एक सौर वर्ष बराबर होता क्या है, यहाँ पे सौर वर्ष बराबर आपको एक सौर वर्ष में, यानी कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। देखिएगा, ये आंकड़े अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे, अलग अलग टीचर्स अलग अलग बताएंगे, मैं जो डेटा आपको दे रहा हूँ 110% राइट है। मुझे नहीं पता आपने क्या पढ़ा होगा, आपको क्या पढ़ाया जाए, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो यूनिवर्सल ट्रुथ बोल रहा हूँ, जो डेटा दे रहा हूँ उनको मैं प्रूव कर सकता हूँ, मेरे पास यही एक तरीका है। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन, ठीक है, आपको एक एक चीज डिटेल से बता रहा हूँ, 365 दिन 5 घंटे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, इसमें अलग अलग टीचर आपको अलग अलग चीज़ बता सकते हैं, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं इसके लिए, इसको लेकर के अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ें बता सकते हैं, अलग अलग डेटाज बता सकते हैं, वो अलग अलग वे हो सकता है उनका टीचिंग का, तो वो उनकी अलग तरीके की जो भी स्ट्रेटेजी होगी वो बता सकते हैं। देखिए, सब टीचर अपने अपनी जगह सही है, अलग अलग वे होता है पढ़ाने का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकेंड का समय लगता है। अब आपका अगर ऐसे कोई ऑप्शन नहीं आता, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप कैसे आएगा 365.2422 दिनों का समय लगता है, ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, आपके मन में ये भी सवाल आएंगे, सर साधारण वर्ष कैसे होते हैं, लीफ वर्ष कैसे कहते हैं, वो सारी की सारी बात करूंगा यहाँ पे। ये आपका कितना हो गया, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। अब ध्यान दीजिएगा, ये 365.2422 है, इसमें मैं एक दिन भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, वो कैसे, वो सारी बात करूंगा। अब एक
अब एक बात पे ध्यान दीजिएगा, आपने देखा है या कई बार आपने पूछा भी है कि साधारण वर्ष और लीप वर्ष में अंतर क्या होता है। उससे पहले आपको ये समझना होगा कि साधारण वर्ष क्या होते हैं और लीप वर्ष क्या होते हैं। देखिए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष को समझिएगा, सिंपल सी बात यह है कि जो लीप वर्ष होता है वो 4 साल के अंतराल के बाद आता है, यानी कि जिस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, ध्यान दीजिएगा, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में, जैसे अभी मैं बात करूँ कि 2020, ठीक है, ये वर्ष कौन सा मेरा 2020, जिस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी कि शेषफल कुछ भी नहीं बचता है, तो वो कौन सा ईयर होता है प्यारे दोस्तों? वो लीप ईयर होता है। बात समझ में आ गई क्या? जिस वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है वो कौन सा ईयर होता है? वो लीप ईयर होता है। बात समझ में आ गई? साधारण वर्ष कौन सा होता है? जैसे कि यहाँ पे मैं बात करूँ 2019, जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, यानी कि शेषफल बचता है, तो वो कौन सा होता है आपका? साधारण वर्ष। यानी कि साधारण वर्ष वो है जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है, और लीप वर्ष वो होता है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, करता हूं आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहां पे आप बात करो कि सर हम कैसे माने कि 4 साल के अंतराल के बाद ही लीप वर्ष होता है। बिल्कुल सही बात है, मैं तो कुछ भी बोल दूंगा, आप थोड़ी मान लोगे, आपका जानने का हक है। और ये लीप वर्ष आता कैसे है, इसमें होता क्या है? ठीक है, लीप वर्ष के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो लीप वर्ष में होते हैं वो कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। अब सर हम कैसे माने, क्योंकि एक वर्ष के अंदर तो 365 दिन ही होते हैं। मैंने यही बताया था कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है 365 दिन, ये 365 दिन किस में होते हैं? साधारण वर्ष में होते हैं। दोस्तों, ये इंट्रोडक्शन आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, इस चीज़ को बारीकी से समझते हुए चलिएगा। 365 दिन। अब आप बोलोगे सर 4 साल के बाद ही एक दिन क्यों बढ़ता है, 366 क्यों होते हैं? क्योंकि आपको मैंने डेटा बताया, तो मैंने आपको ये भी बोला कि प्रूफ करके बता सकता हूँ। ठीक है, ये जो 24-22 है, 365 दिन तो हो गए, यहाँ पर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। ठीक है, कितना होगा आपका? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0.9688। ठीक है, यहाँ पे 95 से ऊपर जाते ये एक अगला अंक माना जाता है, यानी कि ये एक दिन माना जाएगा। तो 365 ये और ये 4 साल के अंतराल के बाद में जाकर के एक बनता है, यानी कि 366 दिन। उसी तरीके से यहाँ देखिएगा, 365 दिन पूरे, 5 को 4 से गुणा कीजिए, 20 घंटे तो ये हो गए। बात समझिएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं, 20 घंटे ये हो चुके हैं। 48 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, शायद 192 आएंगे। ठीक है, 192 के अंदर अगर आप फिर से इसमें 60 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 घंटे समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 3 घंटे समथिंग कुछ आएगा पॉइंट्स में। यही 47.5 को अगर आप गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पे आपका वही समथिंग 190 मिनट समथिंग आएगा। इसमें भी अगर आप 60 से डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से टोटल मिलाकर के आपके 24 घंटे होंगे। आप करके देख लीजिएगा, कोई भी अगर आपको फर्क लगता है तो आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से 24 घंटे बनते हैं, कब? 4 साल में जाकर के करके एक लीप वर्ष बनता है। तो इस तरीके से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लीप वर्ष 4 साल के अंतराल के बाद ही क्यों बनता है। यहाँ पे हम साधारण वर्ष और लीप वर्ष के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बाद में हम आगे की तरफ चलेंगे। तो पहले ये समझ में आ गया होगा, मैं फिर से बता दूं कि एक सौर वर्ष क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उस चक्कर लगाने की समय अवधि या समय अंतराल को ही क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है। एक सौर वर्ष बराबर 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड का समय लगता है, यानी कि 365.2422 दिनों का समय लगता है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब हम चलते हैं आगे की तरफ कि सर साधारण वर्ष और लीप वर्ष में मेनली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में डिफरेंस क्या होता है? तो पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन बना लेते हैं। समझते हुए चलिएगा, एक सेंटर लाइन बना ली, यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ, आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ये है आपका साधारण वर्ष, ठीक है, और ये है आपका लीप वर्ष। देखिए, या तो किसी चीज़ को पढ़ो मत, और पढ़ो तो आप उस चीज़ को बारीकी से पढ़ते हुए चलो। यहाँ पे साधारण वर्ष और लीप वर्ष, यहाँ पे पहले पॉइंट की बात करूँ कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं, तो जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें नोट्स में आपको दी हुई है, जो 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। कई लोग बोल रहे थे ना कि सर नोट्स में ऐसा क्या है, तो वो ये चीज़। और कई लोग यहाँ पे कमेंट करते हैं जब भी प्रीमियर चल रहा होता है कि नोट्स बिना पढ़ाई नहीं करेंगे, तो नोट्स बेचना चाहता है कि तो मेरी बात सुनना कान खोल करके।
अगर मैं पैसों के लिए कुछ भी करता ना, तो ये क्लासेज जो इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ ना, ये फ्री में नहीं पढ़ा रहा होता। ठीक है, मैं भी औरों की तरह पेड कोर्स निकाल सकता था, लेकिन मेरी फितरत में ऐसा नहीं है। जो चीज़ आपको अवेलेबल करवाई जा रही है ना, वो मिनिमम जो आपको समझ आ सके ना, और हर एक चीज़ को आप बहुत अच्छे लेवल से कर सके ना, इसलिए बार बार बोलता हूँ नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं कोई करोड़पति नहीं बनूंगा। ठीक है, ऊपर वाले कितनी दया है, ध्यान रखना इस बात का। तो ऐसा कभी भी कुछ बोलो ना यहाँ पे, सोच समझ के बोलना, नहीं मुझे जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। यहाँ ध्यान देना, जो चार से पूर्णतः विभाजित होता है वो कौन सा होता है? साधारण वर्ष होता है। और लीप वर्ष क्या कौन सा होता है? जो चार से पूर्णतः विभाजित होता है, पूर्णतः विभाजित होता है। इस तरीके से हम अलग अलग पॉइंट बनाते जाएंगे। दूसरा, इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? फरवरी के अंदर 28, और इसमें दिनों की संख्या फरवरी में कितनी होती है? 29। ध्यान देना एक एक बात पे। फिर नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ, इसमें दिन कितने होते हैं? 365। इसमें दिन कितने होते हैं? 366। बात समझ में आ रही है? इसके अंदर ये नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये इनसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके कि इसमें कितने सप्ताह और कितने दिन होते हैं। तो इसमें 52 वीक्स, 52 सप्ताह और एक दिन होता है। बात समझ में आ रही है? कैसे 365 जो टोटल है, इसमें आप 7 से डिवाइड कीजिए। बात समझ में आ रही है? अगर ऐसे नहीं है तो 7 × 5 = 35। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपका शेषफल क्या बचा? 1। तो यहाँ पे आपका 52 सप्ताह और कितने दिन होते हैं? एक दिन होता है। इसमें कितना होता है आपका? इसमें आपका 52 सप्ताह है। ठीक है, 52 सप्ताह है और 2 दिन होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 366, तो यहाँ पे कितना होगा मेरे पास? 6। तो यहाँ कितने बचेंगे? 2। बोली समझ में आ रहा है क्या? ये एक एक डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें वर्ष का प्रथम दिन, ठीक है, इसमें वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन, ये दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे क्वेश्चन से एक टाइप क्लियर हो जाएगी। इसमें वर्ष का प्रथम दिन और वर्ष का अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? वर्ष के प्रथम दिन से, वर्ष के प्रथम दिन से अंतिम दिन जो होता है, ठीक है, अंतिम दिन जो होता है वो नेक्स्ट डे होता है, वो नेक्स्ट डे होता है। अब इसको समझिएगा कैसे। जैसे मान लीजिए, पहले मैं साधारण वर्ष की बात करूं, साधारण वर्ष कौन सा होगा? जैसे 2019 की बात करूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यदि 1 जनवरी 2019 को, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आपके, ध्यान दीजिएगा, यदि 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, यानी कि मंडे था, ध्यान दीजिएगा, तो 31 दिसंबर 2019 को क्या वार होगा? तो उस दिन भी मंडे ही होगा। बोलिए, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ क्या? यदि वर्ष के प्रथम दिन को, यानी 1 जनवरी 2019, कोई भी वर्ष हो सकता है, 2015 2017, मतलब वो लीप वर्ष नहीं होना चाहिए, तो उसके फर्स्ट डे को, अगर जो डे था ना, फर्स्ट तारीख को जो डे था ना, उसी के जो आपके अंतिम जो डेट होगी उसको भी वही डे होगा। यानी वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसमें क्या होता है? प्रथम दिन से अंतिम दिन एक दिन आगे होता है। जैसे मैं 2020 की बात करूँ, 2020 यानी कि 1 जनवरी 2020 को क्या वार था? यहाँ अगर आपको दे दे कि बुधवार था, ध्यान दीजिएगा, तो आपसे पूछे कि 31 दिसंबर 2020 को क्या वार होगा, तो एक दिन आगे यानी कि गुरुवार होगा। बोलिए, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है क्या? इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, और फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। बताते जाइएगा कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। इसमें हम आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले, क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट टाइप्स है ना कैलेंडर की, वो बात करेंगे। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा ना, मैं आपको कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, जो आपको करने होते हैं, वो मैं आपको मुखजबानी बता दूंगा कैसे। जैसे आपको बोले कि यदि किसी महीने की 7 तारीख को मंगलवार है, ठीक है, या आपको बोल देगी यदि 7 जनवरी को मंगलवार है, तो वर्ष में ऐसे कौन कौन से 7 तारीख होगी जिनको मंगलवार होगा, जिनका आपको पेन चलाए बिना ही चुटकियों में आप आंसर दे देंगे। आपको ऐसे दे दें कि वर्ष के अंदर, या फिर आपको दे दे कि अगर 7 तारीख को शुक्रवार है, ठीक है, 7 तारीख को शुक्रवार है, तो वापस से शुक्रवार कौन कौन सी डेट को आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ें होगी वो मैं आपको सब की सब करवाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ विश्वास रखिए और आराम से जितना बताता जा रहा हूँ ना, उतना पढ़ते हुए चलिए। इसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं करवाता हुआ चलूंगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि इसमें कितने टाइप की
आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सर, या आपका सवाल होगा तो उसके बारे में बात करने वाला हूँ जल्दी से। अगर ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया तो थोड़ा सा आप इसको, अगर कोई टाइप रही भी है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई पॉइंट रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वो चीज़ आपकी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर कर लूँगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो कैलेंडर होता है, ठीक है, कैलेंडर में नॉर्मली किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें नॉर्मली तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका यहाँ पे एक ही मंथ की अलग अलग डेट ज्ञात करना, मतलब मंथ एक ही होगा, डेट अलग अलग होगी। उसके बाद में आपकी दूसरी टाइप होगी कौन सी, आपके एक ही ईयर या वर्ष के अलग अलग मंथ की डेट ज्ञात करना, अलग अलग मंथ की डेट ज्ञात करना, ठीक है। इसके बाद में जो आपकी थर्ड टाइप होगी वो होगी आपकी डिफरेंट ईयर, यानी अलग अलग वर्ष, अलग अलग वर्ष की अलग अलग डेट से ज्ञात करना। ये तीन टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं इंपॉर्टेंट तरीके से, सेम मंथ की डिफरेंट डेट, ठीक है, साल एक ही हो लेकिन मंथ अलग अलग हो और इसमें अलग अलग वर्ष की अलग अलग डेट ज्ञात करना। तो पहले हम बात करेंगे इसके अंदर एक ही मंथ की दो अलग अलग डेट ज्ञात करना, तो इसको समझते हुए चलिएगा। हम फर्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं, जल्दी से जो फर्स्ट टाइप है उसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। मेरी जो हेडिंग होगी वो होगी आपकी सेम मंथ वाली, ठीक है। तो टाइप फर्स्ट, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं सेम मंथ, एक ही मंथ की डिफरेंट डेट, ठीक है, एक ही मंथ की अलग अलग तारीखें ज्ञात करना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आएगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ, आप अपने हाथ में कोई भी दूसरा मोबाइल रखिएगा, ठीक है, जिससे हम बात कर पाएंगे कि हम किसके बारे में पूछने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले अपने कैलेंडर में कोई भी दूसरा आप मोबाइल अपने हाथ में ले लीजिए, आपको करना क्या है, कैलेंडर अपने फ़ोन के अंदर निकाल लीजिए, ठीक है, जल्दी से। यहाँ पे पहले आपको देखना नहीं है, लेकिन आप कैलेंडर अपने फ़ोन में निकाल लीजिए। यहाँ पे अब आपके पास कैलेंडर होगा, यहाँ आपको जैसे आज तारीख कितनी है, मैं बात कर रहा हूँ 2020 में, आज महीना कौन सा चल रहा है आपको पता है, महीना चल रहा है सितंबर 2020, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कैलेंडर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कोई भी डेट देखनी हो तो आप आराम से देख सकते हो। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सितंबर 2020 की, आज की डेट क्या है, ठीक है, आज की डेट क्या है, जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ या जिस दिन आप ये वीडियो देख रहे हैं, कोई भी डेट आप इस वीडियो को बाद में भी देखोगे तो ये मैं समझिएगा कि ये आज की डेट है। यहाँ पे मैं सितंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये वीडियो आप देख रहे हैं 16 सितंबर 2020 को, ठीक है, 16 सितंबर 2020 को। तो 16 सितंबर 2020 को आज डे क्या है, आज डे है वेनेसडे, बात समझ में आ रही है, आपको दे रखा है कि 16 सितंबर 2020 को वेनेसडे है, देख लीजिए जल्दी से, ठीक है, 16 सितंबर 2020 को वेनेसडे है। अब आपसे मान लीजिए कोई भी पूछ ले, आपसे बोल दे कि बताइए 30 सितंबर 2020 को कौन सा डे होगा, बात समझिएगा फिर से एक बार, आपको क्वेश्चन दिया है कि 16 सितंबर 2020 को यदि बुधवार है तो बताइए 30 सितंबर 2020 को क्या डे होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसके फॉर्मूला की मैं अगर बात करता हूँ तो फॉर्मूला को समझ लीजिएगा किसके अंदर किस टाइप से पूछा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर दो जो तारीखें होती है, ठीक है, डेट डिफरेंस अपॉन 7 इक्वल्स टू रिमाइंडर, यानी कि दोनों तारीखों के मध्य का अंतर अपॉन 7 बराबर शेषफल, समझिएगा इसको। यहाँ पे आपको दो डेट दे रखी है, दो डेट कौन कौन सी, यहाँ पे इसका मतलब होगा डेट के डिफरेंस, दोनों डेट्स के जो भी डिफरेंस है, यहाँ पे मध्य का अंतर यानी कि दोनों तारीखें कौन सी, एक तो 16 और एक 30, इन दोनों तारीखों के मध्य का अंतर आपको देखना है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मध्य का अंतर, तो यहाँ पर आपकी 30 में से 16 और अपॉन 7, बात को समझिएगा, यहाँ पे 30 का आपसे पूछा है और 16, तो दोनों तारीखों के मध्य का अंतर कितना हो गया आपका, इसमें से आपको माइनस करके चलना है, तो यहाँ पे कितना हो गया 14/7, बात समझ में आ रही है, 14/7, तो आपने इसमें दिया तो आपका रिमाइंडर क्या आया, 0, यानी 0 अगर रिमाइंडर आता है तो आपका जवाब होगा सेम डे, ठीक है, आपका जवाब होगा सेम डे। तो यहाँ पे यानी कि 30 सितंबर को भी क्या वार होगा, वेनेसडे,
जल्दी से अपने कैलेंडर में जा करके चेक कर लीजिए कि 30 तारीख को वेनेसडे है क्या, जिससे आप उस चीज़ को क्लियर कर पाओ। जल्दी से देखिए और आपको समझ में आ रहा है क्या वो भी देखिएगा, ठीक है। मैं कोई भी मंथ का कोई भी क्वेश्चन ले सकता हूँ, आप कैलेंडर में जा करके मैच कर लीजिएगा। देखिए बुक में क्या दे रखा है, बुक में बहुत सी मिस्टेक होती है, बुक के भरोसे मत चलिएगा। कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जहाँ बहुत सी आपको मिस्टेक देखने को मिलेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन के ऊपर। मैंने आपसे बोला डेट आप मैच कर लीजिए अपने कैलेंडर के अंदर। मान लीजिए मैंने पूछा कि 27 जून, ध्यान दीजिएगा 27 जून, इसमें ईयर देने की कोई जरूरत नहीं, मैं ईयर इसलिए दे रहा हूं कि आप जाके चेक कर सको। 27 जून 2020 को यदि सैटरडे था, ध्यान दीजिएगा 27 जून 2020 को यदि सैटरडे था, तो अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए 2 जून 2020 को क्या वार था, ध्यान दीजिएगा 2 जून 2020 को क्या वार था, आपको करना क्या है, दोनों तारीखों के मध्य का अंतर, ठीक है, दोनों तारीखों के मध्य का अंतर। तो आपको कैसे क्या देखना है उस चीज़ को समझिएगा। यहाँ पे 27 और माइनस 2 डिवाइड बाई 7 बचा कितना, 25 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे आपका रिमाइंडर कितना बचता है, 25 में 7 का भाग दिया 21, तो यहाँ पे बचा कितना मेरे पास, 4। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में तो 0 आया था, 0 का मतलब सेम डे होता है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरे पास, 4। अभी आगे चलना है या पीछे चलना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आगे का 27 बाद में आता है और 2 पहले आता है, तो पीछे का पूछा है ना आपसे, तो यहाँ पे जो डे था ना, इस दिन क्या डे था आपका, सैटरडे था, ध्यान दीजिएगा। सैटरडे से आप 4 दिन बेक आ जाइए, सैटरडे से, सैटरडे को काउंट नहीं करोगे किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान के, हमें बाएं या दाएं यानी कि आगे या पीछे काउंट करने के लिए कहा जाता है, तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सैटरडे से हम 4 दिन पीछे आना है, तो हम क्या करेंगे, फ्राइडे, थर्सडे, वेनेसडे और क्या आएगा मेरा, ट्यूजडे। तो यानी कि 2 जून को क्या वार होगा, ट्यूजडे। आप जाकर के चेक कर सकते हैं अपने कैलेंडर में, अपने मोबाइल में हैंड टू हैंड चेक कीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो 2 तारीख को, 2 जून को हमारा क्या वार था, मंगलवार था। बताइए समझ में आ रहा है क्या, नहीं आया इसको प्रैक्टिकली करके देखिए एक बार, अपने मोबाइल में कैलेंडर ओपन कर लीजिए और उसको चेक कीजिए, बताइए समझ में आया क्या। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 का देख करके 27 का पूछ लेता, तो 2 का देख करके 27 का पूछ लेता तो क्या करते, डिफरेंस तो वही 4 आता ना दोस्तों, ठीक है, वही 4 आता। तो अब हम क्या करते हैं, इससे हम 2 दिन जो जितना भी डिफरेंस आया यानी कि 4 दिन हम आगे चलते हैं, लेकिन यहाँ 27 पहले दे रखा था और 2 पीछे दे रखा था, तो समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, उसके बाद हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है, इसको समझते हुए चलिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए किसी भी साल की, 2 जरूरी नहीं है मैं 20 की बात करूँ, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इससे ध्यान रहे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि यदि 8 सितंबर 2019 को, आप चेक करके देखिएगा, 8 सितंबर 2019 को यदि संडे था, ठीक है, 8 सितंबर 2019 को यदि संडे था, तो बताइए आपसे पूछ रहा है कि 23 सितंबर 2019 को क्या वार होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसको क्या वार होगा। तो पहले दोनों तारीखों के मध्य का अंतर, तो 23 में से 8 गए, 23 में से 8 माइनस किए और ये आपका 7 डिवाइड करना है आपको, तो जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने बचे हैं, जल्दी बताइए। तेईस में से 8 गए, 7 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे आपका 15 डिवाइड बाई 7, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास, 1। अब यहाँ पे 8 पहले आता है और 23 बाद में आता है, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इस दिन क्या वार था, संडे, संडे से मुझे एक दिन आगे चलना है क्योंकि आगे का पूछा है, तो इस दिन क्या हो जाएगा दोस्तों, इस दिन हो जाएगा मंडे, जाकर के आप चेक कर सकते हैं, बताइए ये समझ में आया क्या। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, आपको कैसा लग रहा है ये चीज़, अगर फर्स्ट टाइम आपको समझ में आई, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन वीडियो था, इसके अंदर जितना भी आपको नॉर्मली बताना था वो चीज़ मैं आपको कवरअप कर चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद में कल कैलेंडर के जो मेन टाइप हैं, जो आपकी अलग अलग, जो कि आपकी एक ही वर्ष के अलग अलग मंथ की डेट याद करना और अलग अलग वर्षों की डेट याद करना, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।